नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस सेंटर सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जो आपका DFCCIL के अंदर जो 10 नंबर का जो पार्ट है उसके बारे में, तो वो जो हमारा सिलेबस है उसका नाम दे रखा है इंडियन रेलवे हिस्ट्री एंड DFCCIL। तो हमने कुछ चर्चा पिछली क्लास में की थी DFCCIL के बारे में, आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा आता है भारतीय रेलवे का इतिहास। तो आइएगा हम लोग जानते हैं भारतीय रेलवे के इतिहास के संदर्भ में। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे। और प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय रेलवे है इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो भारतीय रेलवे है, ये जो आम जो जनता है और इस जनता को तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे आम जनता को या आम नागरिक को तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। और ये तीन प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी प्रदान करता है तो आप लोग बताएंगे। भारतीय रेलवे जनता को, किसको? जनता को, या फिर आप लोग कह सकते हैं लोगों को, जनता को, तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं प्रदान करता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे जनता को या आम नागरिकों को कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताएंगे तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है तो आप लोग बताएंगे तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। और ये तीन प्रकार की जो सेवाएं हैं ये कौन कौन सी हो जाएंगी तो आप लोग बताएंगे। नंबर वन, एक तो आप लोग बता देंगे पैसेंजर ट्रेन, एक आप लोग बता देंगे एक्सप्रेस ट्रेन, और एक आपका हो जाएगा मेल ट्रेन, यानी कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि भारतीय रेलवे जनता को कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, तीन प्रकार की। नंबर वन की बात करूं तो आप लोग बताएंगे पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। नंबर वन आप लोग क्या बता देंगे? पैसेंजर ट्रेन। नंबर दो की बात की जाए तो आप लोग बताएंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी? एक्सप्रेस ट्रेन। और नंबर तीन की अगर बात की जाए तो आप लोग बताएंगे मेल एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन। यानी कि जो भारतीय रेलवे है ये आपको कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है तो आप लोग बता देंगे तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी? एक तो आपकी हो जाएगी पैसेंजर सेवाएं, यानी कि पैसेंजर ट्रेन। नंबर दो की बात की जाए तो आपका हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन। और नंबर तीन की बात की जाए तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो आप लोगों ने अमूमन ऐसा देखा होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन है इनका किराया साथियों सबसे कम होता है, यानी कि इनका किराया क्या होता है तो आप लोग बताएंगे इनका जो किराया होता है ये क्या होता है, इनका किराया कम होता है। यानी कि पैसेंजर ट्रेनों का जो किराया है ये क्या होता है? कम होता है। और जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उनका किराया जो है, और ये किराया क्या होता है? ये किराया ज़्यादा होता है। किराया क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का या कौन सी ट्रेनों का किराया कम होता है, कौन सी ट्रेनों का किराया ज़्यादा होता है, और कौन सी ट्रेनों का किराया बीच के स्तर का होता है तो आप लोग बता देंगे कि पैसेंजर ट्रेनों का जो किराया होता है वो कम होता है, और मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनका किराया क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है इनके किराए की अगर बात की जाए तो इनका जो किराया होता है ये किराया बीच का होता है, यानी कि बीच के स्तर का, बीच के स्तर का इनका किराया होता है। यानी कि बीच के स्तर का इनका क्या होता है? किराया होता है। बीच के स्तर का मतलब क्या हुआ तो आप लोग बताएंगे, बीच के स्तर का मतलब ये हुआ कि पैसेंजर ट्रेनों से ज़्यादा, पैसेंजर ट्रेनों से ज़्यादा, और आपकी मेल एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं उनसे कम। यानी कि पैसेंजर ट्रेनों से ज़्यादा होता है
और जो मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनसे क्या होता है, कम होता है। तो एक बार आप लोग पुनः देखिएगा कि भारतीय रेलवे जो है ये जनता को कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, तो आप लोग बताएंगे तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, एक तो पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक आपकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया क्या होता है, कम होता है, मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन है इनका किराया क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उनका किराया बीच के स्तर का होता है। तो चलिएगा यहां तक आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसी भारतीय रेलवे के संदर्भ में। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है इसी के बारे में, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल, और इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है तो आप लोग बता देंगे, भारतीय रेलवे जो है ये विश्व में चौथा सबसे बड़ा क्या है, नेटवर्क संचालित करता है। तो आप लोग बताएंगे भारतीय रेलवे विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संचालित करता है, या नेटवर्क संचालित करता है, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क संचालित करता है। कौन करता है तो आप लोग बताएंगे, ये संचालित करता है हमारा भारतीय रेलवे, नेटवर्क संचालित करता है। दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो भारतीय रेलवे है और ये भारतीय रेलवे विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संचालित करता है, यानी कि भारत का स्थान कौन सा है, चौथे नंबर का है। तो सर पहला दूसरा तीसरा किसका है, तो चलेगा हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये आपका चार नंबर। एक नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर दो पर हो जाएगा आपका चाइना यानी कि चीन। नंबर तीन पर आपका हो जाएगा रसिया यानी कि आपका रूस। और नंबर चार पर हमारा कौन सा है, भारत। तो भारत का जो स्थान है वो रेल नेटवर्क में कौन सा है, तो आप लोग बता देंगे चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, भारत का है। आगे हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसी भारतीय रेलवे में आप लोग क्या बताएंगे कि रोजगार के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में साथियों, रोजगार के क्षेत्र में। और रोजगार के क्षेत्र की अगर बात की जाए, रोजगार के क्षेत्र में साथियों जो भारतीय रेलवे है ये साथियों रोजगार के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बताएंगे दूसरा स्थान है। रोजगार के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बता देंगे भारतीय रेलवे का रोजगार के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, रोजगार के क्षेत्र में भारत में तो है इसका दूसरा स्थान, भारत में दूसरा तथा विश्व में और विश्व में कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रोजगार देने के क्षेत्र में भारतीय रेलवे का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बता देंगे भारत में भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है, और विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बता देंगे विश्व में सातवां स्थान है। आगे अगर मैं बात करूं कि जो भारतीय रेलवे है और ये इंडियन रेलवे है इसी के बारे में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे जो है ये वायुमार्ग, रोडवेज आदि की तुलना में परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे भारतीय रेलवे। तो आप लोग क्या बता देंगे दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारतीय जो रेलवे है ये वायुमार्ग और आप लोग बता देंगे रोडवेज आदि की तुलना में परिवहन का सबसे सस्ता व सुरक्षित
वह सुरक्षित साधन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा कि ये पूछा जाएगा वायु मार्ग और रोडवेज की तुलना में परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे भारतीय रेलवे। तो दोबारा से आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने अभी चर्चा की कि रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बताएंगे चौथा स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा आपका चाइना का है, तीसरा आपका रशिया यानी कि रूस का है, और चौथा हमारे भारत का है। रोजगार देने के क्षेत्र में भारत का दूसरे स्थान पर आता है और विश्व में सातवें स्थान पर आता है। वायु मार्ग और रोडवेज की तुलना में सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन कौन सा है परिवहन का, तो आप लोग बता देंगे भारतीय रेलवे। चलिएगा, भारतीय रेलवे के बारे में हम लोग और भी चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय रेलवे है, क्या है? भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, और इसी इंडियन रेलवे की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है। और क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में टूटने और दुर्घटना जो होती है, और वो दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। यानी कि जो रेल मार्ग है उससे परिवहन, यानी कि परिवहन का जो साधन है रेल मार्ग, तो उससे टूटने और दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो आप लोग बता देंगे इंडियन रेलवे से आप लोग बताएंगे कि परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में सामान टूटने, सामान या माल, सामान टूटने वह दुर्घटना की संभावना क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब आप लोग समझे होंगे क्या, कि जो भी अपन मालगाड़ियों से जो भी सामान मंगवाते हैं, जो भी व्यापारी लोग सामान मंगवाते हैं, तो वो जो सामान है वो टूटने के कम चांस होते हैं और दुर्घटना होने की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। इसी के साथ साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, कि परिवहन का एक बेहतर साधन है भारतीय रेलवे, क्या है? परिवहन का एक बेहतर साधन है, परिवहन का एक बेहतर साधन है। और परिवहन का बेहतर साधन है क्यों है, क्योंकि आप लोग बताएंगे क्योंकि, क्या कहा? परिवहन का एक बेहतर साधन है। आगे बात की जाए क्योंकि, क्योंकि इसमें नियत कार्यक्रम, क्योंकि इसमें नियत कार्यक्रम, नियत कार्यक्रम और मार्ग है, क्या है? मार्ग है। और साथ ही आप लोग बताएंगे, साथ ही लंबी दूरी के यातायात, लंबी दूरी के यातायात के लिए, लंबी दूरी के यातायात के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छा जो तरीका है वो हमारा कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे इंडियन रेलवे। दोबारा से सुनिएगा, भारतीय रेलवे जो है इसके अंदर सामान टूटने की या दुर्घटना होने की कम संभावना होती है, और परिवहन का सबसे बेहतर साधन अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे भारतीय रेलवे, क्योंकि इसमें नियत कार्यक्रम होता है और नियत एक मार्ग होता है, ठीक है? और साथ ही ये लंबी दूरी के यातायात के लिए सबसे अच्छा साधन है, कौन सा? आपका इंडियन रेलवे। अब देखिएगा साथियों, भारतीय रेलवे के इतिहास की हम लोग चर्चा करें तो इसमें एक तो हमारा आएगा औद्योगिक रेलवे, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनसे संबंधित रेलवे, एक हमारा आएगा यात्री रेलवे। तो सबसे पहले हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो हमारा रहेगा इंडस्ट्रियल रेलवे, यानी कि औद्योगिक रेलवे। उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई उसके संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग आगे हेडिंग लगा दीजिएगा कि भारतीय रेलवे का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ
इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे का इतिहास। इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है प्यारे साथियों, आप सभी के सभी साथी ध्यान रखेंगे क्या, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले इसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औद्योगिक रेलवे, औद्योगिक रेलवे। और ये जो औद्योगिक रेलवे है इसकी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये चर्चा करेंगे 1832 से लेकर 1852 तक कौन सा रेलवे चला आपका, औद्योगिक रेलवे। औद्योगिक रेलवे अगर पूछे तो आपको बताना 1832 से लेकर 1853 तक। अब अगर हम लोग इस औद्योगिक रेलवे की बात करें तो साथियों सबसे पहले जो घटना आती है वो आती है 1832 की घटना, और 1832 में क्या हुआ इसके संदर्भ में हम लोगों को जानना है। और 1832 की अगर बात की जाए तो आप लोग बताएंगे कि रेलवे का पहला प्रस्ताव कहाँ पर रखा गया था, तो आप लोग बताएंगे पहला प्रस्ताव मद्रास में किया गया था। तो सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलवे का पहला प्रस्ताव कहां पर रखा गया, तो आप लोग बताएंगे रेलवे का पहला प्रस्ताव। और ये जो रेलवे का पहला प्रस्ताव है ये आपके मद्रास में किया गया, कहां पर किया गया, मद्रास में किया गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि रेलवे का पहला प्रस्ताव कहां पर किया गया, तो प्यारे साथियों आप लोग बताएंगे मद्रास में किया गया। कब किया गया, वर्ष 1832 में। देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे का पहला प्रस्ताव कहां पर किया गया, तो आप लोग बताएंगे मद्रास में किया गया। कब किया गया, वर्ष 1832 में किया गया। और पहली ट्रेन चली 1832 जो है, इस 1832 में पहली ट्रेन चली, और ये पहली जो ट्रेन है ये पहली ट्रेन चली। और पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो आप लोग बताएंगे पहली ट्रेन चली थी रेड हिल से लेकर, आप लोग बताएंगे रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेट तक, रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेट। और ये जो रेड हिल है ये आपका कहां पर हो जाएगा, मद्रास में। और ये जो आपका चिंट द्रीपेड है ये आपका कहां पर है, तमिलनाडु में। तो पहली जो रेल चली वो कहां से कहां तक चली, तो आप लोग बता देंगे रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेड तक भारत के अंदर 1832 में पहली रेल चली। चलिएगा इसके बारे में अगर हम लोग और जानकारी प्राप्त करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहली जो रेल चली ये पहली ट्रेन चली, और इसको किसके माध्यम से चलाया गया, तो आप लोग बताएंगे इसको रोटरी स्टीम लोकोमोटिव रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन से चलाया गया। किससे चलाया गया, तो आप लोग बता देंगे कि रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन से इसको चलाया गया। और ये जो रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन है ये किसके द्वारा निर्मित था, तो आप लोग बता देंगे ये था विलियम एवरी द्वारा निर्मित इंजन था। दोबारा से देखिएगा, आप लोगों को वर्ष 1832 के बारे में ध्यान रखना है कि वर्ष 1832 में रेलवे का पहला प्रस्ताव कहां पर किया गया, तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताएंगे वर्ष 1832 में रेलवे का पहला प्रस्ताव मद्रास में किया गया। कहां पर किया गया, मद्रास में किया गया। और रेलवे का पहला प्रस्ताव मद्रास में किया गया, और 1832 में पहली ट्रेन चली, और पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो आप लोग बताएंगे रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेट तक चली। कहां तक चली, रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेट तक चली, और इसको रोटरी स्ट्रीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाया गया, और जो किसके द्वारा निर्मित था, विलियम एवरी द्वारा निर्मित
था। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं वर्ष 1837 की। तो लीजिएगा 1837 की अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों से जो पूछा जा सकता है उसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे 1837 में क्या घटना हुई थी। तो आप लोग बताएंगे 1837, और 1837 की बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1837 में रेलवे का निर्माण, रेलवे का निर्माण 1837 में रेलवे के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है इंजीनियर था, कौन था? इंजीनियर। और इंजीनियर का क्या नाम था? तो आप लोग बताएंगे आर्थर कॉटन। क्या नाम था? आर्थर कॉटन। और ये जो आर्थर कॉटन था और इसके द्वारा साथियों रेलवे का क्या किया गया? निर्माण किया गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि 1837 में रेलवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग बता देंगे 1837 में रेलवे का निर्माण जो किया गया वो इंजीनियर आर्थर कॉटन के द्वारा किया गया। और इस रेलवे का जो उपयोग है और इसका उपयोग किस में किया गया, तो आप लोग बताएंगे 1837 में जो रेलवे था इसका उपयोग किस में किया गया, तो आप लोग बता देंगे मद्रास में किया गया। कहाँ पर किया गया? मद्रास में। और मद्रास में प्यारे दोस्तों इसका उपयोग किया गया, और इसका उपयोग किस में किया गया, तो आप लोग बता देंगे सड़क निर्माण में। किस में किया गया? सड़क निर्माण में। और सड़क निर्माण में किस प्रकार से किया गया? सड़क निर्माण हेतु इसका क्या किया गया? उपयोग किया गया। सड़क निर्माण हेतु किस प्रकार से, तो आप लोग बता देंगे ग्रेनाइट पत्थर परिवहन में। किसमें? ग्रेनाइट पत्थर परिवहन में, पत्थर परिवहन में, पत्थर परिवहन में इसका उपयोग किया गया। दोबारा से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि 1832 की घटना बताई और 1832 के बाद में हम लोगों ने लिया 1837, और 1837 में रेलवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग बताएंगे इंजीनियर आर्थर कॉटन के द्वारा रेलवे का निर्माण किया गया। और इस रेलवे का उपयोग कहां पर किया गया? मद्रास में। और मद्रास में भी किस लिए किया गया? सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग किया गया। और सड़क निर्माण में इस रेल की जो मालगाड़ी है यानी कि मालगाड़ी से क्या लाया गया था? ग्रेनाइट पत्थर लाया गया था, जो किस में काम आया? सड़क निर्माण में आया। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम वर्ष 1845 की। तो देखिएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट की बात की जाए वर्ष 1845, और इसकी अगर बात की जाए तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से भी बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है। और 1845 की अगर बात की जाए तो 1845 में जो रेलवे का निर्माण किया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1845 में रेलवे का निर्माण, 1845 में रेलवे का निर्माण और इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो आप लोग बताएंगे कि 1845 में जो रेलवे का निर्माण किया गया था ये राजमुंद्री, क्या कहा मैंने? राजमुंद्री। और राजमुंद्री के डोलेश्वरम, राजमुंद्री के डोलेश्वरम, इसको एक बार सही लिख देता हूं, 1845 के अंदर, और 1845 के अंदर आप लोग बताएंगे राजमुंद्री के डोलेश्वरम, और डोलेश्वरम में किया गया। कहां पर किया गया? डोलेश्वरम में किया गया, किया गया। दोबारा से देखिएगा 1845 में जो रेलवे का निर्माण किया गया था वो राजमुंद्री के डोलेश्वरम में किया गया था। और ये जो रेलवे का निर्माण किया गया अगर इसके इंजीनियर की बात की जाए यानी कि इसकी संरचना, और इसकी जो संरचना है ये इसकी संरचना भी किसने तैयार की थी, तो आप लोग बताएंगे इस रेलवे की जो संरचना है वो भी आपके इंजीनियर, इंजीनियर आर्थर कॉटन, आर्थर कॉटन, और आर्थर जो कॉटन है और इस आर्थर कॉटन ने की,
इसकी भी संरचना किसने की, यानी कि इसका भी निर्माण किसने किया, इंजीनियर ऑथर कोटन ने किया। और मुख्य रूप से इस रेलवे का उपयोग किसमें किया गया था, तो गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो आप लोग क्या बता देंगे, आप लोग ये बताएंगे कि इसका उपयोग, यानी कि इस रेलवे का जो उपयोग किया गया था और ये उपयोग किस लिए किया गया था, तो आप लोग बताएंगे गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पर बांध बनाने हेतु, या बांध, गोदावरी नदी पर बांध निर्माण के लिए, निर्माण हेतु किया गया, किया गया। और गोदावरी नदी पर बांध निर्माण के लिए किया गया, और इस रेल से क्या किया गया था, गोदावरी नदी पर जब बांध बनाया जा रहा था तब पत्थर लाए गए थे, क्या लाए गए थे, पत्थर हेतु इसका उपयोग किया गया था। दोबारा से देखिएगा, दोबारा से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नई हैं। हम लोगों ने जो चर्चा की वो चर्चा यहाँ से की कि जो भारतीय रेलवे है ये जनता को तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तीन प्रकार की कौन सी, पैसेंजर एक्सप्रेस और मेल एक्सप्रेस। इनके किराए की हम लोगों ने चर्चा की कि किसका किराया कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। इसके बाद में इंडियन रेलवे विश्व में कौन सा नेटवर्क है, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, रोजगार के क्षेत्र में दूसरा और विश्व में सातवां स्थान है, वायु मार्ग रोडवेज आदि की तुलना में परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन है। इसके बारे में हम लोगों ने जो चर्चा की वो चर्चा की कि भारतीय रेलवे परिवहन के क्षेत्र में सामान टूटने व दुर्घटना की संभावना कम होती है और परिवहन का एक बेहतर साधन है। इसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे का इतिहास। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया औद्योगिक रेलवे, ठीक है, औद्योगिक रेलवे हमारा 1852 में कंप्लीट होगा। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे यात्री रेलवे की। तो औद्योगिक रेलवे में सबसे पहले 1832 की घटना देखी, देश के अंदर रेलवे का पहला प्रस्ताव कहाँ पर किया गया, तो आप लोग बता देंगे मद्रास में किया गया। और पहली जो ट्रेन चली वो आपकी रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेट तक चली, और इसको रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन से चलाया गया, जिसका निर्माण किसने किया था, विलियम एवरी ने। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि देश में पहली जो ट्रेन चली थी 1832 में, उसका जो इंजन था रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन, वो किसके द्वारा निर्मित था, तो आप लोग बताएंगे विलियम एवरी के द्वारा। इसके बाद में साथियों कि 1837 में जो रेलवे का निर्माण किया गया था वो इंजीनियर ऑथर कोटन के द्वारा किया गया, और इसका उपयोग किस लिए किया गया था, मद्रास में सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थर लाए गए थे। इसके बाद में हम लोगों ने जो चर्चा की वो कि 1845 की, और इसमें रेलवे का निर्माण राजमुंद्री के डोलेश्वरम में किया गया, और इसकी संरचना भी किसने तैयार किया, इंजीनियर ऑथर कोटन ने, और इसका उपयोग किसके लिए किया गया, गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए पत्थर लाए गए थे। इसके बाद में साथियों हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट 8 मई 1845 की। तो नेक्स्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा, आगे आपको डेट ध्यान रखनी है 8 मई 1845। और इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है 8 मई 1845 में। इसमें आप लोग बताएंगे मद्रास जो रेलवे है, क्या कहा मैंने, मद्रास रेलवे, मद्रास रेलवे को, मद्रास रेलवे को आप लोग बताएंगे सम्मानित किया गया, किया गया, यानी कि मद्रास जो रेलवे है इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, मद्रास रेलवे को सम्मिलित किया गया, कब, 8 मई 1845 को। अच्छा, सम्मिलित लिखा गया, इसको सम्मिलित लिखना है, क्या लिखना है, सम्मिलित किया गया। क्या बताएंगे आप लोग, मद्रास रेलवे को सम्मिलित किया गया, और ये सम्मिलित कब किया गया, 8 मई 1845 को, और जिसके बाद क्या हुआ आप लोग बताएंगे, जिसके बाद EIC ईस्ट इंडिया कंपनी और EIC रेलवे को शामिल किया गया, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है,
कि 8 मई 1845 की जो घटना है, मद्रास रेलवे को सम्मिलित किया गया और इसकी जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे को क्या किया गया, शामिल किया गया, कहां पर, हमारे भारत में। तो आप लोगों को डेट ध्यान रखनी है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे को मद्रास रेलवे में कब शामिल किया गया, तो आप लोग बताएंगे 8 मई 1845 को। इसके बाद की जो घटना है वो है साथियों 1 अगस्त 1849 की। तो ये लीजिएगा 1 अगस्त 1849, और इसकी अगर बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1 अगस्त 1849 को। और इसमें आप लोग क्या बताएंगे, इसमें आप लोग बता देंगे कि संसद अधिनियम द्वारा, संसद एक्ट द्वारा, संसद अधिनियम द्वारा, और संसद अधिनियम द्वारा क्या किया गया, तो आप लोग बताएंगे वृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे, और इस रेलवे का क्या किया गया, गठन किया गया, इसी को बोलते हैं GIPR, GIPR रेलवे का गठन किया गया, क्या किया गया, गठन किया गया। आप लोगों से पूछा जाएगा और क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद अधिनियम द्वारा GIPR रेलवे का गठन कब किया गया, अर्थात GIPR का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बता देंगे GIPR का जो पूरा नाम है वो आपका हो जाएगा वृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे, क्या हो जाएगा, वृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे। और इसका गठन कब किया गया, तो आप लोग बताएंगे 1 अगस्त 1849 को। दोबारा से देखिएगा 8 मई 1845 को ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे को मद्रास रेलवे में क्या किया गया, शामिल किया गया। 1 अगस्त 1849 को संसद एक्ट के तहत वृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके आगे की घटना लेते हैं, और नेक्स्ट जो घटना है वो हमारी है 17 अगस्त 1949 की। कब की है साथियों, 17 अगस्त 1949 की, 17 अगस्त 1949, और 17 अगस्त 1949 की घटना है 1849 कहाँ से आ गया, 1849 की घटना है, तो आप लोग बताएंगे 17 अगस्त 1849। और इसकी अगर बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गारंटी प्रणाली शुरू की गई। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि रेलवे में गारंटी प्रणाली, और ये जो गारंटी प्रणाली है ये कब शुरू की गई, गारंटी प्रणाली शुरू की गई, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि रेलवे के अंतर्गत गारंटी प्रणाली कब शुरू की गई, तो आप लोग बताएंगे 17 अगस्त 1849 को रेलवे में गारंटी प्रणाली शुरू की गई। और ये जो गारंटी प्रणाली है और इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि भारत में, कहां पर, भारत में रेलवे का, भारत में रेलवे का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए इच्छुक निजी ब्रिटिश कंपनियों, इच्छुक निजी ब्रिटिश कंपनियों, ब्रिटिश कंपनियों कंपनियों के लिए मुफ्त जमीन, और 5% वापसी की गारंटी दी गई, गारंटी प्रदान की गई। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे में गारंटी प्रणाली कब शुरू की गई, तो आप लोग बताएंगे 17 अगस्त 1849 को। कब की गई, 17 अगस्त 1849 को गारंटी प्रणाली शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, भारत में रेलवे का निर्माण करने के लिए जो इच्छुक निजी कंपनियां थी उनको
क्या किया गया, मुफ्त में जमीन देने की बात कही गई और 5% की जो वापसी राशि है वो दी गई कि अगर मान लो कि आपका कार्यरत नहीं होती है तो 5% आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद की अगर हम लोग घटना लेते हैं तो बात आती है 1851 की। तो 1851 की जो घटना है उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है, 1851। और 1851 की अगर बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1851। और 1851 में क्या हुआ था साथियों, रुड़की में, कहाँ पर, रुड़की में, आप लोग बताएंगे 1851 में रुड़की में, कहाँ पर, रुड़की में। और रुड़की में क्या हुआ था आप लोग बता देंगे, रुड़की में, और रुड़की में सोनाली एक्वाडेट, क्या, रुड़की में सोनाली एक्वा डेट रेलवे बनाया गया। यानी कि रुड़की जो है और इस रुड़की में सोनाली एक्वाडेट रेलवे बनाया गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि रुड़की में सोनाली एक्वाडेट रेलवे कब बनाया गया, तो आप लोग बताएंगे 1851 में। और साथियों ये जो सोनाली एक्वाडेट रेलवे है और इसको भी थॉमसन स्टीम, क्या कहोगे, इसको भी थॉमसन, इसको भी थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाया गया। यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है 1851 में रुड़की में सोनाली एक्वाडेट रेलवे बनाया गया जिसको थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाया गया। और आप लोग बताएंगे इसी के बारे में कि रेलवे ने सोनाली नदी पर नहर हेतु निर्माण हेतु सामग्री पहुंचाई। यानी कि इसका जो उपयोग की बात की जाए तो आप लोग बताएंगे उपयोग आप लोग बता देंगे कि सोनाली नदी पर एक्वाडेक्ट, या फिर इसको आप कह सकेंगे नहर, एक्वाडेक्ट या नहर निर्माण हेतु सामग्री पहुंचाई गई। दोबारा से सुनिएगा, 1851 में रुड़की में सोनाली नहर रेलवे बनाया गया, अर्थात आप लोग कहेंगे कि इसका उपयोग सोनाली नदी पर नहर निर्माण हेतु किया गया कि यहाँ पर जो सामान की सप्लाई करनी थी उसके लिए किया गया। एक और बिंदु हम लोग चर्चा कर लेते हैं वर्ष 1852। और इस 1852 की अगर बात की जाए तो आप लोग ध्यान रखना 1852 है इसमें आप लोग बताएंगे मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी का गठन किया गया। देखिएगा इसके बाद में हम लोग यात्री रेलवे की बात करेंगे। तो प्यारे साथियों औद्योगिक रेलवे के बारे में आप सभी को इतनी बातें ध्यान रखनी है। एक बार मैं आपको औद्योगिक रेलवे के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1832 में आप लोग बताएंगे रेलवे का पहला प्रस्ताव किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे का पहला प्रस्ताव कब किया गया 1832 में, कहां पर किया गया, मद्रास में किया गया। और पहली रेल कहां से कहां तक चली, रेड हिल से लेकर चिंट द्रीपेट तक चली और इसको रोटरी स्ट्रीम लोकोमोटिव इंजन से चलाया गया।
इसके बाद में हम लोगों ने जो चर्चा की 1837 में रेलवे का जो निर्माण हुआ वो इंजीनियर ओथर कोटन के द्वारा किया गया, जिसका उपयोग मद्रास में सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थर लाने ले जाने के लिए किया गया। इसके बाद में 1845 में रेलवे का निर्माण राजमुंद्री के डोलेश्वरम में किया गया और जिसकी संरचना भी इंजीनियर ओथर कोटन ने किया और एक गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए किया गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए रेलवे का निर्माण कब किया गया था, 1845 में। इसके बाद में 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे को सम्मिलित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे को शामिल किया गया। इसके बाद में 1 अगस्त 1849 को संसद एक्ट के तहत वृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे का क्या किया गया, गठन किया गया। इंपोर्टेंट है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करूं, आगे है 17 अगस्त 1849 को गारंटी प्रणाली शुरू की गई। इसके बाद की बात की जाए 1851 में रुड़की में सोनाली एक्वाडेट रेलवे का निर्माण किया गया, अर्थात सोनाली नदी पर नहर बनाने के लिए इस रेलवे का उपयोग किया गया। इसके बाद में 1852 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वो रहेगा हमारा क्या रहेगा, हमारा यात्री रेलवे। तो साथियों आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।